हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। मैं हूँ जया, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मीशो साड़ी बैग जो कि मैंने मीशो से मंगाए हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है। सो थैंक यू सो मच। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीशो से मैंने ये वाले साड़ी पाउचेस मंगाए हैं। इस तरीके के पैक मुझे रिसीव हुआ है। इसके ऊपर एक वाइट कलर की प्लास्टिक थी जो कि मैंने रिमूव कर दी है। उसके अंदर इस तरीके से पैकेट में मुझे 6 पीस रिसीव हुए हैं, तो मैं ये निकाल के दिखा रही हूँ। इस तरीके से 6 मुझे रिसीव हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। अब मैं इसे ओपन करके देखती हूँ इसमें कितना स्पेस है। चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके चेन की। तो इसकी चेन के हैंडल की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बट इसकी क्वालिटी अच्छी है। ओपन भी आराम से हो जा रहा है। इसके अंदर आपको इतना स्पेस मिलेगा ये जो दिख रहा है। आगे इस तरीके से आपको ट्रांसपेरेंट मिल रहा है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से कपड़े इसके अंदर रखे हुए हैं। इसमें बहुत सारा स्पेस है, आप आराम से 8 से 10 साड़ी या फिर 8 से 10 जीन्स टॉप रख सकते हैं। बहुत अच्छा स्पेस है, ये देखिए इतना स्पेस है इसके अंदर। इसका ब्रांड है बैग एंड ब्यूटी, यहाँ पे आपको ब्रांड नेम मिलेगा। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, बट मुझे लगता है कि आप अगर लोकल मार्केट से लेने जाएंगे ना, तो आई थिंक हो सकता है आपको महंगा मिले। अंडर 500 तो क्वालिटी इसकी ठीक है। ये मुझे अराउंड 370 या 380 में 6 पीस मिले हैं, तो आपको 60 रुपये के आसपास एक पड़ता है। तो ठीक है, 60 रुपये के आसपास एक पड़ रहा है तो ठीक है। अब इसमें अच्छे से अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और पीस मुझे सारा ही अच्छा मिला है, कोई भी इसमें से ख़राब नहीं है। मैं आपको सारे ही ओपन करके दिखा देती हूँ। सारी पीस मुझे अच्छे मिले हैं। चेन भी सबकी अच्छी है। इसमें आपको बहुत सारे प्रिंट मिल जाएंगे, बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल थे, अपने अकॉर्डिंग चूज करके ले सकते हैं। मैं सारे ही बैग चेक कर रही हूँ आपके सामने, अगर कोई डिफेक्टिव निकलेगा तो पता चल जाएगा, बट अभी तक तो कोई डिफेक्टिव नहीं निकला है। ये देखिए प्लास्टिक भी सबकी अच्छी रिसीव हुई है। इतना सारा आपको स्पेस मिल रहा है जितना ये ऊपर से ट्रांसपेरेंट पॉली दिख रही है। तो 3 बैग हमने चेक कर लिए, अब बचे हमारे 3 बैग्स और, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। सबकी क्वालिटी अच्छी है, जितना ये ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है उतना स्पेस आपको मिल रहा है यूज़ करने के लिए। सब पे आपको ब्रांड नेम मिलेगा, बैग एंड ब्यूटी सब पे लिखा हुआ मिलेगा। कोई भी पीस अभी तक डिफेक्टिव नहीं निकला है, तो आप ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। सबकी क्वालिटी अच्छी मिली है, सिर्फ इसके फैब्रिक की क्वालिटी थोड़ी सी रफ है। आई थिंक थोड़ा बेटर ये कर सकते थे इस प्राइस में, अदरवाइज ओके है। अब लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। सबकी क्वालिटी मुझे अच्छी मिली है, कोई भी डिफेक्टिव पीस नहीं मिला है इस प्राइस में, तो ठीक है। 380 के आसपास अगर आपको 6 पीस मिलता है तो ठीक है। ठीक है, अभी तक मुझे कोई भी डिफेक्टिव पीस नहीं मिला है। इनके पास और अच्छे वाले भी अवेलेबल है 500 के ऊपर। मैं उसका लिंक भी अगर मिलेगा, कोड्स जो भी होते हैं, तो मैं दे दूँगी, बट ये 500 के अंदर ही है। 380 रुपीज़ का आई थिंक 6 पीस है, जो भी होगा मैं कोड मेंशन कर दूँगी। बट मुझे फैब्रिक थोड़ा सा रफ लगा है, इसकी सिलाई वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। ये देखिए
सिर्फ चेन की हैंडल की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, अदरवाइज़ इस चेन की क्वालिटी भी अच्छी है, सिलाई भी बहुत परफेक्ट तरीके से है, बिल्कुल भी रफ़ नहीं है। तो इस तरीके से आपको 6 बैग्स मिल जाते हैं। अब इसमें आराम से अपने सारे कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक में मैं फिल करके आपको दिखा रही हूँ, इतने सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं। इसमें मैंने नीचे की तरफ 3-4 सूट रखे हैं, उसके बाद जीन्स रखे हैं, फिर टॉप्स रखे हैं, फिर साड़ियाँ रखी हैं, और बहुत ही आराम से ही आ गए। अभी भी ऊपर स्पेस है, आप 1-2 चाहे तो अभी भी इसमें रख सकते हो, साइड से भी थोड़ी सी जगह है। तो अब इसमें आराम से अच्छे से अपने साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, कपड़े को, सूट को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छा रहेगा आपके अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, आप इस तरीके के बैग को ले सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो या थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।